हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो में और शुरू करते हैं बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना करने के विधेयक को मंजूरी दी है बढ़ाने के लिए? आंसर होगा 21। न्यूज़ आप देख रहे हैं तो केंद्रीय कैबिनेट ने अभी हाल ही में ये विधेयक को मंजूरी दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। वहाँ मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे और ये कानून बन जाएगा। उम्मीद यही है कि ये हो जाएगा। तो अब जल्द ही 18 से 21 साल होने जा रही है एज, न्यूनतम उम्र, ओके। और ये अगर कानून लागू हुआ तो सभी जो धर्म है उसके वर्ग उनके लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। अच्छा, पिछली बार कब उम्र बदली गई थी? तो 1978 में, उस वक्त शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 किया गया था, ठीक है। तो इसके तहत कई जो एक्ट है उसमें बदलाव होंगे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसका सेक्शन 5 है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, बाल विवाह निषेध एक्ट 2006, तो इन सब में चेंज करना होगा। इसी का एक विधेयक है। चलिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसकी अध्यक्षता में बनी टास्क फोर्स के सुझाव पर महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? आंसर होगा जया जेटली। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं तो केंद्र सरकार ने जून 2020 यानी पिछले साल जया जेटली के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाया था। जया जेटली कौन है? तो ये समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। समता पार्टी जो अब जनता दल यूनाइटेड कह सकते हैं, बाद में जनता दल में समाहित हो गई थी वो पार्टी और फिर जनता दल यूनाइटेड है अभी, तो ये समता पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और इस टास्क फोर्स में कई सारे मेंबर थे और इनको काम दिया गया था कि मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है उसको कम करने के उद्देश्य से, इसके अलावा बाल यानी शिशु मृत्यु दर उसको भी कम करने के उद्देश्य से सुझाव दें। तो दिसंबर 2021 यानी पिछले साल ही, एक साल पहले इन्होंने अपना सुझाव सरकार को दे दिया था। और तो टास्क फोर्स ने शादी की जो न्यूनतम उम्र है वो पुरुषों के बराबर ही यानी 21 साल रखने के लिए कुछ कानूनों में संशोधन की सिफारिश की है। हालांकि इनकी रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन उसी के आधार पर ये बिल तैयार किया गया, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि युवतियों की न्यूनतम जो शादी की उम्र है उसमें आखिरी बदलाव 1978 में किया गया था और इसके लिए शारदा एक्ट 1929 में बदलाव किया गया था और इसको 15 से 18 कर दिया गया था, ओके। तो ये लागू हुआ था 1978 में। तो इसका ये असर हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ था कि 1951 में यानी 1951 में देश में जो प्रति हज़ार शिशु मृत्यु दर थी 116, यानी 1000 शिशुओं में से 116 बच्चों की डेथ हो जाती थी, वो कम हुई 2019-21 में। ये जो रिपोर्ट आई उसमें 35 पर आ गई थी, ओके। 1000 में 116 बच्चों की मौत हो जाती थी जो कि अब केवल 35 पर आ गई है, ओके। कुछ और तथ्य बताना चाहूँगा कि जो सरकार का क्या कहना है और जो एक्सपर्ट का क्या कहना है इस मामले में, इसके पक्ष में। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 उसकी रिपोर्ट है जो कि जनवरी में यानी इसी साल 2021 में आई थी, और उसमें ये कहा गया है कि देश में 20 से 24 वर्ष की जो युवतियां हैं उनसे पूछा गया कि उनकी शादी कब किस उम्र में हो गई थी। तो 23.3% महिलाओं ने ये कहा कि 18 साल से कम उम्र में ही शादी कर दी गई थी। तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ अब भी 41% के आसपास जो है बाल विवाह हो रहा है, जैसे बिहार में 40.8% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जा रही है, त्रिपुरा में 40.1% और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 40.6%। तो ये तीन राज्य हैं जहाँ की जो बाल विवाह है वहाँ सबसे ज़्यादा देखा गया है, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ये। और अगर बात करेंगे कि 15 से 19 वर्ष की आयु में गर्भवती होने के मामले किस किस राज्य में कितने हैं, तो आप देख रहे हैं मेरे बगल में आंध्र प्रदेश में 12.6%
ये गर्भवती हुई 15 से 19 वर्ष की आयु में, मतलब शादी होने के बाद। असम में 11.7%, बिहार में 11%, त्रिपुरा में 21.9% और पश्चिम बंगाल में 16.4%। तो ये सब आंकड़े हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ये सरकार के द्वारा जो सर्वे हुआ था उसके आंकड़े हैं, ठीक है। तो ये मूलतः ये देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से चूँकि कम उम्र में शादी हो रही है और फिर कम उम्र में गर्भवती हो रही है, तो ऐसे में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर वो जो है बेहतर नहीं है जो डेवलप्ड कंट्री हैं उसकी तुलना में, ठीक है। और एक और आंकड़ा बताऊं आपको कि 2018 में देश में 7,21,000 शिशुओं की मृत्यु हुई थी, 7,21,000, मतलब कि इस अवधि में प्रतिदिन 1,975 शिशुओं की मौत हुई थी। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो कम उम्र में युवतियों की शादी और उनका गर्भवती होना है। तो शादी की उम्र बढ़ाने से इनकी जो रिपोर्ट है उनमें ये कहना है इनका कि शादी की उम्र बढ़ाने से परिवार, महिलाओं, बच्चों, उन सब की स्थिति बेहतर होगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी सकारात्मक असर होगा। अगर शादी देर से होती है यानी 21 साल के आसपास या उसके बाद होती है तो लड़कियों को हायर एजुकेशन और नौकरी के ज़्यादा अवसर मिलेंगे। होता ही है कम उम्र में शादी हो गई उसके बाद फिर उसके कॉलेज जाने के अवसर कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो हमारा जो समाज है उसमें जो ज़्यादातर बड़ा हिस्सा है वो शादी के बाद उनके पढ़ाई के लिए नहीं सोचता है, ओके। सारी जिम्मेदारी घर की महिलाओं पर आ जाती, ठीक है। तो टास्क फोर्स ने ये कहा है कि उम्र बढ़ाने से अवसर बढ़ेंगे जो लड़कियां हैं उनके, और उनके कमाई के लिए और खुद अपने पैरों पर खड़े होने का ज़्यादा मौका मिलेगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो विरोधी हैं जो उम्र बढ़ाने के, उनका क्या कहना है? जो कह रहे हैं कि नहीं 18 सही है, उनका ये कहना है कि न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष थी, उसका कानून है जिसका पालन नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से बाल विवाह हो रहा है, 18 साल से कम उम्र में शादियां हो रही है। तो मसला यहाँ पर कानून को ठीक से लागू नहीं करने का है, ओके। और ऐसा कहना है विरोधियों का, यानी जो ये कह रहे हैं कि 18 साल ही रहने दिया जाए, उनका ये कहना है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने से कानून का दुरुपयोग होगा, और उनके लिए जो खुद विवाह करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे जो ऐसे समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उनमें जो जल्दी शादियां हो जाती है, तो उन सबको दंडित करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि एक बड़ी बात तो ये भी है कि कानून को सख्ती से लागू करना होगा, और जो 21 वर्ष की आयु होगी तो उससे महिलाओं को अवसर जरूर मिलेंगे। तो मतलब ये होगा कि अगर ये कानून लागू हो जाता है तो 21 वर्ष से कम उम्र में शादी करने पर अगर पुरुष की आयु 21 वर्ष से ज़्यादा है और वो 21 वर्ष से कम उम्र की युवती से शादी कर रहा है तो ऐसे में पुरुष को जेल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति शादी करवाएगा उनके माता पिता उन सबको जेल हो सकती है, उन सबको सजा हो सकती है। तो जो कानून अभी 18 वर्ष तक से कम उम्र में शादी करने पर लागू होता है जो सजा है, वही सजा 21 वर्ष से नीचे की आयु में लड़कियों की शादी करने पर होगी जो आरोपी होंगे उन पर, ठीक है। अब चूंकि इतनी बात हो गई है तो थोड़ी सी और बात कर लें कि किस देश में कितनी है शादी की न्यूनतम उम्र। तो ये लिस्ट आप देख रहे हैं ये यूनाइटेड नेशंस का डेटा है, अलग अलग देशों में कितनी एज है, मिनिमम एज है, और ये जो डेटा है वो है अभिभावक की परमिशन से शादी होने पर। तो उरुग्वे जहाँ पर बहुत कम है, 12 साल है न्यूनतम महिलाओं की उम्र शादी की। अमेरिका में 13 साल है, हालांकि कुछ अमेरिकी राज्यों में ये 16 साल भी है, कुछ में 18 साल भी है, लेकिन न्यूनतम 13 साल है। म्यांमार में 14 साल है, अफगानिस्तान में 15 साल, कनाडा में 16 साल है, स्विट्जरलैंड में 16 ईयर है, पाकिस्तान में 16 ईयर है, रूस में भी 16 साल है, नेपाल और इंडिया में ये 18 वर्ष है अभी तक, जो कि इसमें 18 में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार ने पास किया है, विधेयक पास किया। चीन में 20 साल है शादी की जो न्यूनतम उम्र है, और सिंगापुर में 21 ईयर है, जहां हम लोग अभी जाने वाले हैं, 21 ईयर करने जा रहे हैं।
ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट मामला है और सोसाइटी का मामला है और इस पर डिबेट भी चल रहा है और एक बहुत बड़ा कदम है। इसलिए तमाम जो भी एग्जामिनेशंस हैं, चाहे यूपीएससी के हो या स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन है, उन सब में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह से दोनों तरफ के जो मामले हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों, ये भी जानना जरूरी है। और तमाम जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उन सब में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बीसीसीआई ने भारत में दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक कमेटी का गठन किया है, तो उसका नाम बताएं। दिव्यांग से रिलेटेड जो भी क्रिकेट होंगे वो उसी कमेटी के अंतर्गत होंगे। तो आंसर होगा ये रहा, क्या नाम है? डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट कमेटी। ओके, ये एक कमेटी बनाई गई है और भारत में ऐसा पहली बार है जब बीसीसीआई ने दिव्यांग क्रिकेटरों को इतनी मान्यता दी है और नाम यही रखा गया है, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट कमेटी। ये कमेटी शारीरिक रूप से विकलांग जो क्रिकेट हैं उनके क्रिकेट को लेकर सहायता प्रदान करेंगी। और करीब एक दशक से इसके लिए मांग की जा रही थी बीसीसीआई से, लेकिन अब बीसीसीआई ने एक कमेटी बना दी है जो कि बीसीसीआई की उप समिति होगी, ठीक है। और जो भी गेम्स होंगे बीसीसीआई के तत्वावधान में उनके अंतर्गत खेले जाएंगे। ओके, और इसी के साथ मैं बताऊँ कि स्पेशल एक हैंडीकैप्ड के लिए एचएपी कप शुरू हुआ है। बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, तो उन्होंने इस कप को लॉन्च किया है। टूर्नामेंट है भारत में दिव्यांगों के लिए सबसे बड़ा, ये टूर्नामेंट बीसीसीआई के द्वारा शुरू किया गया है। ये 31 दिसंबर तक पंचकुला में जो ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर आयोजित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से दिसंबर तक का अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल हो गया है। एमसीक्यू है 1200 से ज़्यादा और डिटेल भी इसमें दिया हुआ है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस शहर की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ये इस लिस्ट में शामिल किया यूनेस्को ने? आंसर होगा कोलकाता। न्यूज़ आप देख रहे हैं तो एक ख़ास बात है और इससे कोलकाता का जो एक सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार है उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। दुर्गा पूजा यानी कोलकाता का दुर्गा पूजा के शामिल होने से भारत में जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसकी सूची में बढ़ोतरी हो गई है। अब 14 हो गया है, संख्या हो गई है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में खासतौर पर 36 से 37 हज़ार सामुदायिक दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, उसमें से 2500 कोलकाता में आयोजित किए जाते हैं। 5 दिनों का त्यौहार होता है, ये पूजा होती है और 9 दिवसीय जो नवरात्र होता है उसमें 5वीं रात से ये वहाँ पर आयोजन शुरू होता है और 10वें दिन तक ये एक मेले की तरह भव्य आयोजन होता है। सामूहिक रूप से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं लोग। ओके, तो यूनेस्को ने भारत में ऐसे 14 टोटल संख्या हो गई है जो कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची हो गई। तो इसकी एक लिस्ट ही ये सामने रही, एक एक करके मैं पूरी लिस्ट यहाँ पे है और उन सबको बता भी देता हूँ। जैसे वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा है, रामलीला कुट्टियम संस्कृत थिएटर केरल में, राममन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्यौहार और धार्मिक जो अनुष्ठान है उत्तराखंड में, केरल का मुदियेट्टू अनुष्ठान थिएटर और नृत्य जो नाटक है वो सब, राजस्थान के कालबेलिया लोक नृत्य है, वहाँ के गीत हैं, छऊ नृत्य है जो कि ओडिशा का है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल झारखंड में भी होता है छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध जो जप होता है मंत्रोच्चार का ये लद्दाख में। ओके, मणिपुर का संकीर्तन पारंपरिक जो गायन है, नगाड़े हैं, नृत्य है, पंजाब के ठठेरों के द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबों के बर्तन हैं, योगा को भी दिया गया है और नवरुज, तो इन कुंभ मेला है, कोलकाता का दुर्गा पूजा है, तो ये सब इसमें शामिल किया गया है। तो जो पूरी लिस्ट है आपके सामने है, वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, फ्री में डेली का करंट अफेयर्स होता है।
चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 दिसंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी दिन 1971 में पाकिस्तान से इंडिया ने युद्ध जीता था, और आप देख रहे हैं कि जनरल नियाजी जो पाकिस्तान सेना का जनरल था, उसने आत्मसमर्पण किया था बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ। 93,000 सैनिकों के साथ जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था। तो ये फोटोग्राफ है, ऐतिहासिक फोटोग्राफ है, और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने सेना की रणनीति के जरिए पाकिस्तान को दो टुकड़े में कर दिया था, बांग्लादेश अलग बन गया था। तो इसी दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है बांग्लादेश में, और वहाँ पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुँचे हैं इस आयोजन के हिस्सेदार बनने। बांग्लादेश की बात हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, प्रेसिडेंट एम अब्दुल हमीद। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सहित 10 से ज़्यादा देशों में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब आयोजित होता है? आंसर होगा 15 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पर यह क्यों लिखा मैंने भारत सहित 10 या 10 से ज़्यादा? क्योंकि ये दिवस भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मालावी, मलेशिया, युगांडा, तंजानिया, इन सब देशों में मनाया जाता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत सहित बाकी जो देश हैं 10, वो 15 जो दिसंबर है उस दौरान मनाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात है, इसको समझना जरूरी था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक है बुक प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, तो इसके लेखक कौन है? आंसर होगा शशि थरूर। तो इन्हीं की बुक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद हैं तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, तो उनकी ये 23वीं पुस्तक है। ठीक है, तो इनकी ये बुक है, और आपको बताऊं कि 2019 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोवा मुक्ति दिवस की ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 दिसंबर। ओके, 19 दिसंबर। मैप दिखा दूँ गोवा कहाँ है, तो इस भारत के मैप में यहाँ पर ये रहा गोवा। ओके, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में समुद्र के किनारे, यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। 1510 में पुर्तगालियों ने भारत के कई हिस्सों को अपना उपनिवेश बनाया था। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाल का जो उपनिवेश था वो गोवा, दमन, दीव, दादर, नागर हवेली, ये सब थे। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज यहाँ से गए, तो बाकी देश को तो आज़ाद कर दिया, रजवाड़ों को अलग अलग, फिर भारत सरकार ने एकीकरण का काम शुरू किया, लेकिन जो गोवा था उसको पुर्तगाल ने खाली नहीं किया, उसने मना कर दिया था। तो वहाँ पर लोगों ने विद्रोह किया, लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, गोवा मुक्ति आंदोलन हुआ, और फिर 1960 के आसपास ये काफ़ी चरम पर पहुँच गया था। 1961 में भारतीय सशस्त्र बल ने, भारतीय सेना ने कार्रवाई की और उसको इंडिया में मिलाया, मुक्त कराया पुर्तगालियों के शासन से। 450 साल तक पुर्तगालियों का यहाँ पर गोवा में शासन रहा है। तो गोवा की बात हो रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन ये घोषित किया है? आंसर होगा इसका अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो इसको वहाँ जो लुप्त प्राय प्रमुख प्रजाति है जैसे कस्तूरी मृग, तो उनके आवासों की रक्षा के लिए ये काम किया गया है, सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। मैप में उत्तराखंड यहाँ रहा। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है, और वहाँ बहुत सारी गतिविधियों को रोक लगा दी जाती है, जैसे वाणिज्यिक जो खनन है, आरा मिल है, प्रदूषण फैलाने वाले जो तमाम उद्योग हैं, तो उन सबको रोक दिया है, परियोजनाओं को रोक दिया जाता है, लकड़ी के व्यवसायी जो उपयोग होते हैं उनको रोक दिया जाता है।
तो पर्यटन वगैरह वो सब वहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो ये सब काम होता है, हालांकि खेती वगैरह हो सकती है वहाँ पर, लेकिन जिस इलाके में ये किया गया वहाँ पर कोई गांव नहीं है। उत्तराखंड की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, ठीक है। और जिसने ये घोषित किया इको सेंसिटिव जोन, वो कौन है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो उसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 दिसंबर। ओके, 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के स्थापना को देखते हुए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहली बार खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2021 ये कहाँ पर आयोजित हुई है? ये फर्स्ट है, कोई भी जो पहला आयोजन होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशंस के लिए। तो इसका आंसर होगा दिल्ली, दिल्ली में आयोजित हुआ है 15 दिसंबर को। और ये कहाँ पर हुआ है दिल्ली में? तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। उद्घाटन किया है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। और लीग के विजेताओं को 30 लाख नगद पुरस्कार दिया जाएगा उस टीम को। तो कौन आयोजित करवा रहा है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया दोनों संयुक्त रूप से इसको आयोजन करवा रहे हैं दिल्ली में। अगला क्वेश्चन होगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा अरविंद कुमार। तो अरविंद कुमार इनको नियुक्त किया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी इस संगठन की 1991 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक की का विमोचन किया है, यानी लॉन्च किया बुक को। नाम है उसका राज कपूर द मास्टर्स एट वर्क। तो इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है? आंसर होगा राहुल रवेल, ठीक है। उपराष्ट्रपति ने ये बुक लॉन्चिंग की है राज कपूर के 97th जयंती पर, 14 दिसंबर को हाल ही में। और इसमें बुक में राज कपूर से रिलेटेड तमाम जो घटनाएं हैं, उससे रिलेटेड जो दिलचस्प किस्से हैं, उनका जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किस खिलाड़ी को चुना है? आंसर होगा इनमें से सिमोन बिलेस। ओके, और फोटोग्राफ दिखा देता हूँ, ये रही। 4 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं। टोक्यो ओलंपिक के दौरान इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देते हुए गेम से अपना नाम वापस ले लिया था। और इसकी इस बात को लेकर काफ़ी सराहा गया था कि मानसिक जो स्वास्थ्य है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काम और खेल की तुलना में। ओके, तो 24 ईयर की हैं, अमेरिकी हैं, और शानदार इनका परफॉर्मेंस रहा है गेम्स में। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर कर दें, और लाइक बटन जरूर दबाना।